दोस्तों आरबीआई की तरफ से फिक्स डिपॉजिट्स के रूल में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में सभी बैंकों के एफडी के इंटरेस्ट रेट तो चेंज होंगे ही होंगे, उसी के साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी फिक्स डिपॉजिट है बैंक के अंदर जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, वो भी बंद होने वाली है। उसी के साथ साथ आपके एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी चेंज देखने को मिल सकता है, यानी कि उसके इंटरेस्ट रेट हो सकता है बदल जाए। क्या हुआ है चेंज, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है राकेश। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रिसेंटली आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी करके बताया गया था कि बैंक में जो एफडी होती है नॉन कैलेबल, उसकी डिपॉजिट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब क्या होती है नॉन कैलेबल डिपॉजिट्स और उसको क्या चेंज किया गया है, आइए समझते हैं। तो देखिए, बैंक में अगर आप एफडी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है कैलेबल एफडी और दूसरी होती है नॉन कैलेबल एफडी। नॉन कैलेबल एफडी मतलब आप उसको बीच में बंद नहीं करवा सकते। अगर आपने 2 साल के लिए एफडी करवा दी तो 2 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा, बीच में आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करने पर क्या होता था, बैंक के पास ऑप्शन था, नॉन कैलेबल एफडी के ऊपर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्री मैच्योर क्लोज वाली फैसिलिटी ना लें, ऐसी एफडी करवाएं जिसको वो 2 साल बाद ही पैसा लेंगे। 1 साल की कराइए तो 1 साल बाद ही पैसा लेंगे, उसमें बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। सभी बैंकों के अंदर ऐसी फैसिलिटी मिलती है। इसमें एक कंडीशन थी कि नॉन कैलेबल एफडी ओपन करवाने के लिए आपको कम से कम 15 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते थे, यानी कि आप 15 लाख से कम पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो आप नॉन कैलेबल एफडी ओपन नहीं करवा सकते थे। अब जो इस लिमिट को है चेंज कर दिया गया है, 15 लाख की जगह अब इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर आप नॉन कैलेबल एफडी ओपन करवाना चाहते थे किसी बैंक में, पहले तो आप 15 लाख रुपए से ही करवा सकते थे, लेकिन अब आप नहीं करवा पाएंगे, अब आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए जमा करवाने पड़ेंगे अगर आप नॉन कैलेबल एफडी करवाना चाहते हैं। वैसे तो देखिए आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो पैसा बीच में बंद करवाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी के कारण उसको बंद नहीं करवा पाते थे। अगर किसी बैंक में 20 लाख की नॉन कैलेबल एफडी करवा दी, अब मजबूरी में वो बंद नहीं करवा पा रहे थे, तो आरबीआई ने उनको एक तरह से वो दिया है बेनिफिट ताकि वो अब बीच में बंद करवा पाएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे। अभी तक क्या होता था, नॉन कैलेबल जो एफडी है यानी कि आप बीच में बंद करवाने वाली फैसिलिटी वाली नहीं लेना चाहते तो आपको उस पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता था, सारे बैंकों के अंदर ऐसा मिलता था आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई का, तो एसबीआई में अगर आप 1 साल की एफडी करवाने जाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 6.8% का, और वहीं अगर आप नॉन कैलेबल एफडी करवाते हैं यानी कि 15 लाख से ज़्यादा की, तो वहाँ पर आपको बैंक जो है वो 1 साल की एफडी पर 0.3% एक्स्ट्रा ऑफर करता था, आपको इंटरेस्ट मिलता था 7.1% का। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता था, और 15 लाख से ऊपर की आप नॉन कैलेबल एफडी करवाते हैं तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता था। सीनियर सिटीजन को 7.9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता था 2 साल के एफडी के ऊपर नॉन कैलेबल, यानी कि 15 लाख से ज़्यादा जमा करवाना पड़ता था। तो लेट सपोज आपके पास 20 लाख रुपए थे तो आप एसबीआई में नॉन कैलेबल एफडी करवा सकते थे 7.9% पे, लेकिन आने वाले समय में 20 लाख से आप नॉन कैलेबल एफडी ओपन नहीं करवा पाएंगे, ना ही एसबीआई में ना ही किसी भी बैंक में। सभी बैंकों के अंदर नॉन कैलेबल एफडी जो है वो बंद होने वाली है, बंद तो नहीं होगी। अभी तक क्या था, 15 लाख से ऊपर के पैसे में था, अब उस लिमिट को ही 1 करोड़ कर दिया गया है, तो यानी कि आप 16 लाख 17 20 30 40 50 नहीं करवा पाएंगे अगर आपको एफडी ओपन करवानी है। तो आप जनरल एफडी ओपन करवा पाएंगे जिसको आप बीच में बंद करवा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल मिलेगा, यानी कि आपको अभी जो इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन पे मिलता है 7.5% का वही मिलेगा। 7.9% की जो एफडी है एसबीआई के अंदर 2 साल की नॉन कैलेबल एफडी, वो आने वाले समय में बंद हो जाएगी। और एग्जिस्टिंग एफडी के ऊपर क्या है उसके ऊपर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। जिस भी बैंक में आपने एफडी ओपन करवा रखी है, हो सकता है बैंक आपको उस समय तक कंटिन्यू करने दे और उसके बाद में वो एफडी बंद हो जाएगी, आप उसको रिन्यू नहीं करवा पाएंगे, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये किया गया है चेंज, नॉन कैलेबल की लिमिट को 15 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।